खलीजी खित्ते के इस्तेहकाम का इन्हसार सऊदी अरब पर है। बहरीन के बादशाह की व्हाइट हाउस के मुशीर जेरेड कुशनर से मुलाकात में गुफ्तगू। फलस्तीनी रियासत के क़याम के अज़्म पर कायम है। अबू धाबी के वली अहद का दो टोक पैगाम सामने आ गया। खबरसां एजेंसी के मुताबिक जेरेड कुशनर ने बहरीन के बादशाह से मुलाकात में दीगर अरब ममालिक को भी तजवीज़ पेश की है कि वो मुत्तहदा अरब अमारात की पैरवी करें। बहरीन के बादशाह ने दौरान मुलाकात अरबों के दिफा और इस्लामी मफादात के लिए मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से अदा किए गए किरदार की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मसला फ़लस्तीन के वसी हल के लिए भी अमारात के किरदार की तारीफ की है, जिससे फ़लस्तीन के आवाम को उनका हक मिलेगा और खित्ते में पायदार अमन का ख्वाब पूरा होगा। उसके अलावा गुफ्तगू में 120 साल पर मुहित दो तरफा ताल्लुकात और 75 साल पुराने अस्करी ताल्लुकात पर भी तवज्जो दी गई है। बहरीन के बादशाह ने अमरीका के साथ तारीखी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का आज़म जाहिर करते हुए ट्रंप इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है, जिसका मकसद मशरिक़ वस्ता के खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी का क़याम है। दूसरी जानब एक बयान में अबू धाबी के वली अहद ने कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मशरक़ी बैतुल मक़दस होना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा है कि हम चाहते हैं लेकिन फ़लस्तीनी कॉज की कीमत पर नहीं। इससे कबल एक बयान में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने UAE और इसराइल ताल्लुकात को इस्लामी दुनिया से दगा करार दिया था।